good morning children. Now today we are going to explain other topics. It means other next point is our vermicomposting method. Last video में हमने composting method देखा था और कुछ effect of plastic and management of plastic के बारे में discussion किया था. Right students? Now उससे पहले मैं कंपोस्टिंग की बात कर लेते हैं. हम वर्मी कंपोस्टिंग से पहले हम कंपोस्टिंग की बात करते हैं. अगेन आई विल रिपीट दिस पॉइंट्स. द रोटिंग्स एंड कन्वर्जन्स ऑफ सम मटेरियल्स. रोटिंग मीन्स सड़ा हुआ स्टूडेंट्स. एंड कन्वर्जन्स ऑफ जो सड़ा हुआ जो भी नष्ट है स्टूडेंट, जो नष्ट किया जा सके, ऐसा सड़ा हुआ जो मटेरियल पूरी तरीके से कन्वर्ट हो जाता है एक मैन्यूअर्स में, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? कंपोस्टिंग कहलाता है. वो पूरी तरीके से कंपोस्ट हो चुका है, ठीक है. कुछ जैसे कि आपके घरों में से निकलने वाले वेजिटेबल पील्स हैं, पेपर्स हैं, ड्राई लीव्स है, ठीक है, पेपर बैग्स है, टी लीव्स है, ये सारे क्या है, एक मैन्यूअर्स बनाते हैं. कुछ मटेरियल्स हो जो होते हैं पूरी तरीके से कन्वर्जन हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं सॉइल के अंदर, ठीक है, वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाते हैं. तो ये सब चीज़ें पूरी तरीके से नष्ट होने के बाद, सॉइल के अंदर मिक्स होने के बाद क्या होती है, एक मैन्यूअर्स प्रोवाइड करती है, ठीक है. ये मैन्यूअर्स में ये एक न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करती है जो प्लांट्स के लिए वेरी यूजफुल होता है. ओके, उस जगह पर अगर ये मेथड्स कंपोस्टिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है और सम मटेरियल्स, कुछ मटेरियल्स हैं जो सॉइल्स के अंदर पूरी कंप्लीटली मिक्स हो चुके हैं, तो वो एक मैन्यूअर प्रोवाइड करेगी और उसी, वो जो मैन्यूअर प्रोवाइड करेगी उससे हमें न्यूट्रिशंस मिलेगा, राइट. और वो जो न्यूट्रिशंस मिलेगा वो प्लांट्स के लिए यूजफुल होगा. ओके, तो उससे हम कहेंगे स्टूडेंट्स कंपोस्टिंग मेथड्स. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सी वर्मी कंपोस्टिंग मेथड्स. ओपन योर पेज नंबर 158, चैप्टर नंबर 16, गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट में आपके टेक्स्ट बुक के अंदर 158 पेज नंबर ओपन करो एंड सी द पॉइंट्स ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द डेफिनेशंस ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग. द डेफिनेशंस ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग मीन्स इट इज द मेथड्स ऑफ preparing compost with the help of red worms, ठीक है, is known as वर्मी कंपोस्टिंग. वर्मी कंपोस्टिंग में क्या होता है, ये एक ऐसी मेथड्स है जो कंपोस्ट की जाती है रेड वर्म के मदद से, ठीक है. तो अर्थ के ऊपर जो भी रेड वर्म्स होते हैं उसकी हेल्प की मदद से इसे, इस मेथड्स को प्रिपेयर किया जाता है और इससे कंपोस्ट किया जाता है. सो इट इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग मेथड. सी, वी कैन बी फ्रेंड्स ऑफ प्लांट्स बाय सप्लाइंग देम विथ कंपोस्ट. स्टूडेंट्स, हम क्या है, प्लांट्स के एक फ्रेंड्स है जो सप्लाई करते हैं प्लांट्स को कंपोस्ट की मेथड से, ठीक है. तो हम क्या देते हैं, प्लांट्स को कंपोस्टिंग देते हैं, ठीक है. तो वी विल आल्सो बी वेरी गुड फ्रेंड. हम एक अच्छे दोस्त हैं टू अवर सेल्स बाय मेकिंग कंपोस्ट, उनको कंपोस्टिंग मेथड्स देने के लिए, उनको बनाने के लिए, ठीक है. सो टॉकिंग्स ऑफ फ्रेंड्स, आपको अपनी फ्रेंड्स से टॉकिंग करना है. डू यू नो दैट अर्थवर्म्स आर कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड्स. जो अर्थवर्म होते हैं स्टूडेंट्स, हमारे अर्थ के ऊपर जो भी वर्म्स होते हैं उन्हें फार्मर का फ्रेंड्स कहा गया है. उनको फार्मर्स का फ्रेंड बुलाते हैं. लेट अस फाइंड आउट हाउ टाइप्स ऑफ अर्थवर्म्स कॉल्ड रेड वर्म. अर्थवर्म के ऊपर इस तरीके से रेड वर्म होते हैं. इट इज कॉल्ड रेड वर्म. ये दिख रहे हैं आपको, वो रेड वर्म्स है. तो रेड वर्म की हेल्प की मदद से, यानी उनकी हेल्प से, उनकी मदद से, ठीक है, उनकी मदद से जो भी कंपोस्ट प्रिपेयर किया जाता है उसे हम वर्मी कंपोस्टिंग मेथड्स कहते हैं. ओके, वी कैन ट्राई टू मैन्यूअर्स. ये क्या होता है, एक मैन्यूअर्स बनाता है. ये ट्राई करता है एक मैन्यूअर्स बनाने के लिए वर्मी कंपोस्टिंग में, ठीक है. सी, ये वर्मी कंपोस्टिंग मेथड में क्या होता है, लेट अस नाउ मेक अ कंफर्टेबल होम फॉर योर
अवर रेड वर्म्स इन द पिट्स और द बॉक्स. आपको क्या करना है, आपको आपके होम्स में होम्स के अंदर कोई भी कंफर्टेबल एरिया हो वहाँ पे रेड वर्म्स होगा, आपको एक पिट करना है, गड्ढा खोदना है, वहाँ पे स्प्रेड अ नेट और चिकन मैश एट द बॉटम्स ऑफ द पिट और द बॉक्स. यू कैन आल्सो स्प्रेड 1 to 2 सेंटीमीटर थिकर लेयर ऑफ सैंड्स एज अ अल्टरनेटिव. आपको क्या करना है, ये वर्मी कंपोस्टिंग मेथड के लिए एक पिट खोलना है जो 1 to 2 सेंटीमीटर्स का हो, ठीक है. फिर वो होना चाहिए आपके होम्स के आसपास या फार्म्स में या गार्डन्स हो वहाँ पर. फिर वहाँ पे एक लेयर्स लेनी है, सैंड की लेयर्स लेनी है, ठीक है. तो वर्मी कंपोस्टिंग में क्या क्या हम यूज़ करेंगे जब वर्मी कंपोस्टिंग बनाएंगे, तो स्टूडेंट्स वन कैन आल्सो यूज ग्रीन लीव्स. आपको क्या लेनी है, ग्रीन लीव्स लेनी है, पीसेस ऑफ ड्राई स्टॉक्स ऑफ प्लांट्स लेने हैं, यानी प्लांट से निकलने वाले जो भी ड्राई चीज़ें हैं वो लेनी है, उनकी ग्रीन लीव्स लेनी है, हर्ब्स लेना है और पीसेस ऑफ न्यूज़पेपर और कपबोर्ड टू स्प्रेड ओवर द लेयर ऑफ सैंड. फिर आपको क्या करना है, उसके अंदर जो भी आपने पिट किया है, जो भी आपने गड्ढा खोदा है, वहाँ पे आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ों को वहाँ पे डालना है और फिर सैंड की लेयर यानी मिट्टी की जो लेयर होती है उसके ऊपर लगा देनी है, उसके ऊपर डालनी है. However, shiny और प्लास्टिक कोटेड पेपर should not be used for this purpose. अब वर्मी कंपोस्टिंग मेथड के लिए हमने देखा कि हमें क्या क्या यूज़ करना है, ग्रीन लीव्स, पीस ऑफ ड्राई एंड प्लांट्स के ड्राई स्टॉक और हर्ब्स और पीस न्यूज़पेपर, ठीक है, वो डालना है आपको, ठीक है. वो आपको उसमें मिक्स करना है सैंड लेयर में, ठीक है, सैंड की लेयर्स में. लेकिन आपको क्या यूज़ नहीं करना है वर्मी कंपोस्टिंग में, शाइनी और प्लास्टिक बैग, ग्लास वगैरह, ठीक है. वर्मी कंपोस्टिंग के मेथड के लिए हमें प्लास्टिक से बनी हुई कोई चीज़ें का यूज़ नहीं करना है, ना ही ग्लास से बनी हुई कोई चीज़ें का यूज़ करना है. ड्राई एनिमल्स डंग्स कुड आल्सो बी यूज सेपरेट ओवर एंड सैंड और वायर मेश. आपको एनिमल्स का, गाय का जो गोबर होता है स्टूडेंट्स, या बफेलो का जो भी गोबर होता है, उसके कंडे बना दिए जाते हैं, राइट. उसके गांव में आप विलेज में देखोगे कि उसको एक थाप कर एक कंडे बना दिए जाते हैं. उस कंडे को आपको इस वर्मी कंपोस्टिंग मेथड में उसे सैंड के अंदर डालना है, ठीक है, उसे यूज़ करना है, ना कि प्लास्टिक से बनी हुई या ग्लास से बनी हुई कोई चीज़ों का इसमें यूज़ करना है. स्प्रिंकल सम वाटर टू मेक दिस लेयर वेट. फिर उसमें क्या करना है, थोड़ा वाटर डालना है, थोड़ा ही डालना है, लिटल अमाउंट का इसमें यूज मिक्स करना है, लिटल अमाउंट वाटर लेना है, यहाँ पे थोड़ा सा वाटर लेना है और इसके अंदर डालना है. वाटर की मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वाटर की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. टेक केयर नॉट टू यूज एक्सेस ऑफ वाटर, ज़्यादा इसमें वाटर का यूज़ नहीं करना है. डू नॉट प्रेस द लेयर ऑफ वेस्ट, और इसमें जो भी लेयर बनेगी स्टूडेंट्स में, उसमें ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट का, यानी जो भी खराब चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, ग्रीन लीव्स, पीसेस ऑफ ड्राई, उसका ज़्यादा प्रेशर इसके अंदर नहीं देना. कीप दिस लेयर लूज, और ये जो भी लेयर्स बनती है इसके अंदर, उसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. और ये जो है वो कैसा होना चाहिए, थोड़ा लूज होना चाहिए, टाइट नहीं होना चाहिए. इट हैज़ अ सफिशियंट एयर एंड मॉइस्चर. ये लूज इसलिए होना चाहिए ताकि ये एयर और मॉइस्चर में अच्छे से सफिशियंट कन्वर्जन इसका अच्छे से हो सके, एयर और उसे मॉइस्चर मिल सके, ठीक है. नाउ योर पीट इज रेडी. अब तुम्हारा पीट क्या है, रेडी हो चुका है. वेलकम द रेड वर्म. रीड, ये पीट रेडी होने के बाद उसके आफ्टर तुम्हें क्या करना है, ऊपर से रेड वर्म डालने. ये रेड वर्म है स्टूडेंट्स, उसके आफ्टर जब हमारा ये पीट सब डाल के कंप्लीट हो जाएगा, वाटर वाटर डाल के और लूज एयर बन जाएगी, जब इसमें लूज लेयर बन जाएगी सैंड की, मिट्टी की लूज लेयर बन जाएगी, तब वो एयर और मॉइस्चर में एयर और मॉइस्चर में कन्वर्ट हो जाएगा. उसके आफ्टर आपको क्या करना है, ये रेड वर्म उसके अंदर डालना है. बाय सम रेड वर्म एंड पुट देम इन योर पुट. आपको कुछ रेड वर्म्स लाने हैं, खरीदने हैं और इसके अंदर डाल देना है, पुट कर देना है. कवर देम लूजली विद गनी बैग्स. फिर क्या करना है, इसको कवर करना है गनी बैग से, यानी जो भी बोरियाँ वगैरह होती है, एंड ओल्ड शीट ऑफ क्लोथ, या तो कोई आपको एक शीट लेनी है कपड़े से बनी हुई, और फिर उसकी लेयर को ढक देना है, कवर कर देना है. योर रेड वर्म नीड फूड्स. तुम्हारे जो रेड वर्म होंगे उनको स्टूडेंट्स फूड चाहिए होगा, उनको जो रेड वर्म होते हैं उनको फूड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, ठीक है.
तो उन्हें फूड्स की जरूरत होती है, तो उन्हें फूड भी प्रोवाइड करना है। यू कैन गिव देम वेजिटेबल एंड फ्रूट वेस्ट। आपको कौन से इसके अंदर रेडवर्म को फूड देने हैं, वेजिटेबल्स या फ्रूट्स से बना हुआ कोई वेस्ट हो, इनके पिल्स हो, कॉफ़ी हो, टी, रिमेन्स एंड वीड्स फ्रॉम द फील्ड्स और गार्डन, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसको रेडवर्म को देनी है उसको फूड्स के रूप में। इट माइट बी अ गुड आइडिया टू बरी दिस फूड अबाउट 2 to 3 centimeter इनसाइड द पीस। और ये जो भी फूड दोगे आप उसको थोड़ी 2 to 3 centimeter जो पिट किया है वहाँ पे आपको डाल देना है रेडवर्म के फूड के लिए। डू नॉट यूज वेस्ट। आपको कौन से वेस्ट प्रोडक्ट इस वर्मी कंपोस्टिक में नहीं डालने हैं, कौन से वेस्ट ये रेडवर्म को नहीं देने हैं, तो डू नॉट यूज वेस्ट दैट मे कंटेन सॉल्ट, टिकल्स, ऑयल, विनेगर, मीट एंड मिल्क प्रिपरेशन एज अ फूड फॉर योर रेडवर्म। तो रेडवर्म के लिए जो भी फूड्स आप इसके अंदर डालोगे पीट्स में, तो वो कौन से फूड्स होने चाहिए, या तो होना चाहिए वेजिटेबल या फ्रूट्स से बने हुए जो भी पिल्स होते हैं, कॉफ़ी या टी की जो भी पत्तियां होती है वो, ठीक है, वो आपको उसके अंदर डालना है फूड के रूप में। लेकिन क्या नहीं डालना है, रेडवर्म को कौन सा फूड्स नहीं देना है, सॉल्ट जैसे कि नमक है, पिकल्स, अचार है, ऑयल है, विनेगर है, मीट है, मिल्क है, दूध या मांस से बनी हुई कोई भी चीज़ जो है वो रेडवर्म को नहीं देनी है। इफ यू पुट दीज थिंग्स इन द पिट, आप अगर इस पीट्स के अंदर ये चीजें रखते हैं, तो डिजाइसिस कौन सी स्मॉल ऑर्गेनिज्म स्टार्ट ग्रोविंग इन द पीट्स, तो क्या होगा, एक डिजाइसिस अक्यूरिंग होगी, एक डिजाइसिस क्रिएट होगी जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म होगी, ठीक है, छोटी सी ऑर्गेनाइजर में डिजाइसिस अक्यूर, अगर आप सॉल्ट पिकल्स ये डालते हो तो उसमें से क्या होगा, आफ्टर फ्यू डेज बाद जेंटली मिक्स एंड मूव द टॉप लेयर ऑफ योर पीट्स। यानी ये सॉल्ट पिकल डालने से क्या होगा, वो कंपोस्टिंग की मेथड इसके अंदर नहीं होगी और उसमें से एक डिजाइजेस, ठीक है, गंदी स्मेल्स आना स्टार्ट हो जाएगी और ये अच्छे से कंपोस्टिंग नहीं हो पाएंगे और ये जो रेड वर्म है वो क्या हो जाएंगे, एक तरीके से पूरे नष्ट हो जाएंगे जो वर्मी कंपोस्टिंग के मेथड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सॉल्ट पिकल्स और ऑयल से ये सारी चीज़ें रेड वर्म्स को फूड्स के रूप के लिए नहीं देनी है। रेड वर्म डू नॉट हैव अ टीथ। जो रेड वर्म होते हैं उनके टीथ नहीं होते हैं, लेकिन उनका स्ट्रक्चर गिजार्ड से बना होता है जिसे हम गिजार्ड्स कहते हैं। दे हैव अ स्ट्रक्चर, उनका जो स्ट्रक्चर होता है उसे कहते हैं गिजार्ड, विच हेल्प देम इन ग्राइडलिंग देयर फूड्स। इनके टीथ नहीं होते हैं, जो रेड वर्म होते हैं उनके टीथ नहीं होते हैं, लेकिन वो फूड को ऐसे पकड़ कर चबा चबा कर तोड़ तोड़ कर खाते हैं, ठीक है, यानी उनको तोड़ तोड़ कर उनके कवर जो बाहर का पार्ट होता है उनको तोड़ तोड़ कर वो दबा दबा कर प्रेस करके वो खाते हैं। पाउडर एग शेल्स और सी शेल्स कुड बी मिक्स विद द वेस्ट। अब आपको क्या करना है, इस पीट्स के अंदर क्या करना है, जो एग शेल्स होता है यानी जो एग होते हैं उसके बाहर का वाइट कलर का स्ट्रक्चर होता है उसका एक पाउडर बना देना है जो भी छिलका होता है, और सी समुद्री या बीच पर आप देखोगे सेल्स होते हैं वो आप इस वेस्ट में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर आप एग शेल्स और सी शेल्स को मिक्स करके उसका पाउडर बना के उसको वेस्ट में डाल सकते हो। दिस वुड हेल्प रेड वर्म इन ग्राइंडिंग दियर फूड्स। ये क्या करेंगे, ये जो पाउडर होगा वो क्या करेगा, रेड वर्म को ग्राइंडिंग करेगा उसके फूड्स के रूप में, ठीक है, तो फूड्स के रूप में ग्राइंडिंग करेगा रेड वर्म। और रेड वर्म कैन ईट अ फूड इक्वल टू इट्स ओवन वेट इन अ डे, यानी एक दिन के अंदर उसे इक्वल्स फूड्स मिलना चाहिए रेड वर्म को खुद के लिए। रेड वर्म डू नॉट सर्वाइव। रेड वर्म होते हैं वो सर्वाइव नहीं करते हॉट में, वो गर्मी वाले उसमें नहीं रहते हैं, जहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है हॉटनेस होता है वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते, रह नहीं सकते। और वेरी कोल्ड सराउंडिंग, ना तो ज़्यादा गर्मी वाले एरिया में रह सकते हैं ना ही ज़्यादा ठंडक वाले एरिया में वो सर्वाइव कर सकते, रह नहीं सकते। दे आल्सो नीड अ मॉइस्चर्स अराउंड देम, उनको इस तरीका से मॉइस्चर्स की ज़रूरत होती है जो उनके आसपास ना ही ज़्यादा गर्मी हो ना ही ज़्यादा ठंडक हो, ठीक है। इफ़ यू टेक गुड केयर ऑफ योर वर्म्स, अगर आप अपने वर्म्स को अच्छे से देखभाल करोगे तो इन अ मंथ, एक ही मंथ में टाइम देयर नंबर विल बी डबल्स, तो एक ही मंथ के अंदर वो रेड वर्म्स क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, डबल हो जाएंगे, ठीक है। तो रेड वर्म को अगर हम
टाइमली फूड्स रिक्वायरमेंट करेंगे और उसकी गुड केयर करेंगे तो एक ही मंथ के अंदर वो रेड वर्म्स डबल हो जाएंगे और वो कंपोस्टिंग के मेथड ज़्यादा करेंगे। ऑब्जर्व द कंटेंट्स ऑफ द पिट केयरफुली आफ्टर 3-4 वीक्स। आपको 3-4 वीक्स के बाद ये जो रेड वर्म्स है वो केयरफुली ऑब्जर्व हो जाएंगे। आपको ऑब्जर्व करना है 3-4 वीक के बाद, देखना है डू यू नो सी लूज केयर जो सॉइल्स है, सॉइल लाइक मटीरियल्स इन द पीट के अंदर जो भी सॉइल्स है, जो मिट्टी डाली है वो लूज हुई है कि नहीं। योर वर्मी कंपोस्टिंग इज रेडी। अगर लूज हो चुकी है तो आपका वर्मी कंपोस्टिंग क्या हो गया, रेडी हो चुका है। तो 3-4 वीक्स लगते हैं ये वर्मी कंपोस्टिंग के मेथड्स में। पुट सम वेस्ट एज अ फूड इन वन कॉर्नर ऑफ द पिट्स। आपको एक वेस्ट फूड रखना है पिट के कॉर्नर में। मोस्ट ऑफ द वर्म विल शिफ्ट। बहुत सारे वर्म्स क्या हो जाएंगे, आप कॉर्नर में यानी ये जो पिट बनाया है पिट के कॉर्नर में आप वेस्ट फूड रखोगे तो ये रेड वर्म क्या हो जाएंगे, यहाँ से आकर यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे टूवर्ड दिस पार्ट्स ऑफ द पिट्स। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग जगह पे शिफ्ट हो जाएंगे जहाँ जहाँ उसने फूड प्रोवाइड्स होता रहेगा। वैकेंटिंग द अदर पार्ट्स, और जहाँ पे खाली पार्ट्स है, वैकेंटिंग मीन्स जहाँ पर खाली पार्ट्स है, रिमूव द कंपोस्ट फ्रॉम द वैकेंट पार्ट्स। वहाँ से आपको रिमूव सारा कंपोस्ट रिमूव हो जाएगा, वैकेंट पार्ट्स में आ जाएगा। ड्राई इट इन द सन फॉर अ फ्यू आवर्स। आपको इसे सन के सामने कुछ देर तक उसे रखना है। योर वर्मी कंपोस्टिंग इज रेडी फॉर यूज। अब आपका वर्मी कंपोस्टिंग क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि जैसे ही आप रेड वर्म उसके अंदर डालोगे, जैसे ही फूड प्रोवाइड्स करोगे तो वो सॉइल्स जो क्या होगी वो लूज होती जाएगी पूरी तरह से। वो सॉइल्स के अंदर जो होंगे रेड वर्म क्या हो जाएंगे, पूरी तरह से मिक्स होते जाएंगे, कंपोस्टिंग के मेथड्स बना देंगे। ठीक है, तो वो एक फर्टिलाइजर होता जाएगा। इस तरीके से स्टूडेंट्स आप देखते हो आपके घरों में से निकलने वाले जो भी वेजिटेबल्स पील्स है, फ्रूट्स पील्स है, ठीक है, टी कॉफ़ी, ठीक है, उनके जो भी टी और कॉफ़ी से बने हुए वेस्ट प्रोडक्ट है, अगर इस तरीके से आप उसके अंदर मिक्स करोगे, फिर आप रेड वर्म डालोगे, फिर कुछ 3-4 डेज के आफ्टर आप देखोगे उनको फूड प्रिपेयर, उनका एक फूड्स मिलेगा, तो वो ज़्यादा कंपोस्टिंग के मेथड करेंगे। फिर जैसे ही आप उसे 3-4 वीक्स के आफ्टर देखोगे तो इस तरीके से आप देखोगे कि ये जो है सन के अंदर ये क्या हो जाएगा, एकदम ड्राई हो जाएंगे फ्यू आवर्स में सन की रे से। फिर वो क्या होगा, वर्मी कंपोस्टिंग की मेथड्स बनाएंगे। वर्मी कंपोस्टिंग इन योर पोट्स। अब वर्मी कंपोस्टिंग तैयार हो चुका है, एक खाद तैयार हो चुका है जिसे हम हमारे फार्म में यूज़ कर सकते हैं। तो ये वर्मी कंपोस्टिंग फार्म में यूज़ कर सकते हैं, हमारे गार्डन में यूज़ कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग को फील्ड में यूज़ कर सकते हैं, हमारे होम्स के अंदर जो भी पॉट्स होते हैं, ठीक है, गमले होते हैं, उसके अंदर इस वर्मी कंपोस्टिंग के यानी खाद जो भी बन चुकी है उससे हम उस पोर्ट्स गार्डन फील्ड और फार्म में इस वर्मी कंपोस्टिंग को यूज़ कर सकते हैं। इज दिस नॉट लाइक गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। दोज ऑफ यू हु हैव एग्रीकल्चर फील्ड कैन ट्राई वर्मी कंपोस्टिंग इन लार्ज पिट्स। यानी जो भी हमने ये वर्मी कंपोस्टिंग के मेथड्स बनाई, ठीक है, ये प्रिपेयर किया, ये ज़्यादातर कहाँ पे यूज़ करते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। ये हमें एक न्यूट्रिशंस रिच अमाउंट में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं सॉइल्स के कंडीशन में मिक्स होकर, कंडीशनर में मिक्स होकर। दोज यू ऑफ यू हु हैव एग्रीकल्चर फील्ड कैन ट्राई वर्मी कंपोस्टिंग लार्ज फील्ड। जिसको एग्रीकल्चर फील्ड में वर्मी कंपोस्टिंग की मेथड्स ज़्यादा चाहिए, वर्मी कंपोस्टिंग ज़्यादा बनाना है, तो उसके लिए एक लार्ज पिट्स आपको फील्ड के अंदर खोदना पड़ेगा। यू कैन सेव अ लॉट्स ऑफ मनी दैट इज स्पेंड ऑफ बाइंग एक्सपेंसिव केमिकल फर्टिलाइजर। अगर आप ये वर्मी कंपोस्टिंग के मेथड्स प्रिपेयर कर लेते हो तो आपको बाहर से केमिकल्स वाले जो खाद होते हैं वो खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपको वर्मी कंपोस्टिंग से ही एक मैन्यूर्स, ऑर्गेनिक मैन्यूर्स मिल जाएगा स्टूडेंट्स आपके फील्ड, फार्म और एग्रीकल्चर के लिए, जिसे आपको मार्केट्स में जाकर केमिकल्स वाले एक्सपेंसिव फर्टिलाइजर बाय नहीं करने पड़ेंगे, खरीदने नहीं
पड़ेंगे और उसके पीछे ज़्यादा मनी भी स्पेंड्स नहीं करनी पड़ेगी। तो ये वर्मी कंपोस्टिंग के मेथड अगर आप अपने होम्स गार्डन या कहीं फील्ड में करते हो तो वहीं से आपको एक फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मिलेगा जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन रिच अमाउंट्स में आपको मिलेगा, जिससे आप अपने फार्म्स, एग्रीकल्चर फील्ड्स में या गार्डन्स में या घर के होम स्पोर्ट्स के अंदर यूजनेस कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वर्मी कंपोस्टिंग जो मेथड्स है वो एक मैन्यूर्स प्रोवाइड्स करता है हमारे फर्टिलाइजर के लिए, ये ऑर्गेनिक मैन्यूर्स है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, हमारा लास्ट पॉइंट रह गया है हाउ टू रिड्यूस गार्बेज, हम गार्बेज को किस तरीके से रिड्यूस करें उसके बारे में ये लास्ट टॉपिक रह गया है, और पेपर का रिसाइकल कैसा होता है, ये दो पॉइंट्स हम लास्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। नाउ टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय, स्टे एट योर होम्स एंड बी हेल्दी।